Hello everybody, this is English Online Lecture Video Number 3. This is an intellectual property of St. Xavier's College Intermediate Section. The use of the presentation without prior permission of the issuing authority is restricted. The book selected is Flamingo, and we'll be taking up Chapter 8, Going Places. So without much ado, let us start. When we look into the title Going Places, who is going places? We already know is Sophie. What are those places? Her places are the places of imagination. Uska dream, uska fantasy. Kya wo places real hai? Naturally, nahi hai. And is the person happy going places? Yes, she is happy going to those places. So, ye sare questions ko dimag mein rakhna hai when we talk about the title of the text. सोफ़ी, जैसा कि हमने देखा, सोफ़ी इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर. वो क्या है, सबसे मेन कैरेक्टर है टेक्स्ट की. वो फिकल माइंडेड है, मींस उसका इमेजिनेशन, उसका माइंड फिक्स्ड नहीं है एक जगह पे. वो इधर उधर उसका दिमाग चलते रहता है. वो किसी भी एक चीज़ पे फॉर्म नहीं रहती है. वो पुअर है और वो बहुत एडमायर करती है एक आयरिश फुटबॉल प्लेयर को जिसका नाम है डैनी केसी. ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड है वो. ऑब्सेस्ड मतलब बहुत ज़्यादा उसके ख्यालों में खोए रहना, उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में बात करना, ये वो करती है. उसकी बेस्ट फ्रेंड है जैंसी और वो अपने सारे सीक्रेट्स जाके अपने ब्रदर को बताती है जिसका नाम जियोफ है. वो एक टिपिकल टीनेजर है और उसके थॉट प्रोसेस भी वैसे ही हैं. और वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि वो अपने आप को प्रूव करे दूसरों के सामने कि वो हमेशा सही है. शी इंडल्जेस इन फैंटसीज विदाउट कंसिडरिंग हर स्टेटस. वो फैमिली स्टेटस को बिना ध्यान में रखे वो क्या करती है, बहुत सारे ड्रीम्स देखती है. जैंसी सेकेंड कैरेक्टर है. वो सोफ़ी की बेस्ट फ्रेंड है. शी ऑफन वॉन्ट्स सोफ़ी नॉट टू सी अनरियलिस्टिक ड्रीम्स. जैसा कि एक अच्छा दोस्त होता है जो उसको सिखाता है बार बार कि तुम ऐसे सपने मत देखो, लेकिन फिर भी सोफ़ी क्या करती है, वैसे ही सपने देखती है. वो जानती है, शी इज़ अवेयर ऑफ अ फाइनेंशियल कंडीशन. उसका घर का स्थिति कैसा है वो अच्छे से जानती है. सोफ़ी और जैंसी दोनों बने हुए थे सिर्फ एक ही काम करने के लिए, और वो क्या था, बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए. वो भी डैनी केसी को पसंद करती है बट सोफ़ी की तरह नहीं. और उसका एक भाई है फ्रैंक, जो कि सोफ़ी के भाई का बहुत अच्छा दोस्त है. डैनी केसी, ही इज़ अ यंग डायनामिक आयरिश फुटबॉल प्लेयर. Many like him and admire him. He is Sophie's hero and many people like him. He is also called as young Irish prodigy. So he is the character whom Sophie dreams about too much. Minor characters in the text. Geoff, as we know, is Sophie's elder brother. Disapproves of Sophie's dream and is a secret keeper of Sophie. Sophie's father is a strict man, angry, hardworking, poor. He eats hungrily and often scolds Sophie for seeing unrealistic dreams. वो क्या करते हैं, बार बार डांटते हैं सोफ़ी को कि इतने अजीब सपने वो ना देखें. फ्रैंक इज जैंसीज ब्रदर एंड जियोफ्स फ्रेंड. डेरेक कौन है, सोफ़ी का यंगर ब्रदर है, छोटा भाई है, एंड ही इज़ ऑल्सो अवेयर ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन. Sophie's mother is just a passing reference in the text. Social status of Sophie. She comes from a poor middle class family. They do not have a blessed decent house to stay. वो middle class family से आती है और उनके पास एक अच्छा घर भी नहीं है रहने के लिए. दोनों सिर्फ एक काम के लिए बने थे, सोफ़ी और जैंसी, वो है बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए. घर की स्थिति भी जब हम देखेंगे, there are dirty washing piled up in the corner of the room. The room is full of smoke. पूरा room smoke से भरा हुआ है क्योंकि just चूल्हा जला था घर में. One of the Derek's shoes is there on the sofa. Derek का एक जूता सोफे पे पड़ा है. Father is very tired and then he is scooping shepherd's pie. वो जल्दी जल्दी shepherd's pie खा रहे हैं और साथ ही साथ उसकी माँ वहाँ पे काम कर रही है. Geoff क्या है, ड्रॉप आउट है स्कूल का और वो अप्रेंटिस मैकेनिक है, हेल्पर मैकेनिक के जैसे वो काम करता है. अब स्टोरी, स्टोरी किसके बारे में हमको पता है, सोफ़ी जो कि ड्रीमर है, फिकल माइंडेड है, और जैंसी उसकी बेस्ट फ्रेंड है. दोनों स्कूल से लौट रहे हैं और दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि वो आगे जाके क्या काम करेंगे, जिसमें जैंसी बोलती है कि वो सिर्फ
बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए बने हैं, जिस बात पे सोफ़ी मानती नहीं है। और वो उसके बहुत सारे ड्रीम्स के बारे में बताती है कि पहले वो बनना चाहती है फैशन डिज़ाइनर, फिर वो एक्ट्रेस बनना चाहती है, जब वो एक्ट्रेस बन जाएगी तो उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और तब वो अपना बुटीक खोलेगी। तो इस तरह के वो सपने देखती है, और जैंसी जानती है कि वो सपने कभी पूरे नहीं होंगे, तो इसलिए वो उसको क्या करती है, वॉर्न करती है बार बार कि ऐसे अनरियलिस्टिक सपने मत देखो। सोफ़ी रिटर्न्स बैक फ्रॉम हर स्कूल टू हर हाउस। शी फील्स शॉक्ड इन दैट स्मॉल हाउस विच इज़ फुल ऑफ स्टीम। द हाउस इज़ अनटाइडी, देयर इज डर्टी डिशेज केप्ट हियर एंड देयर। द फादर इज़ ईटिंग हंगरीली। शी गोज टू हर ब्रदर जियोफ हु इज़ अ ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल, अ ट्रेनी मैकेनिक हु इज़ बिजी रिपेयरिंग समथिंग। He talks very less and Sophie wants to become a part of her personal life which she considers to be very interesting. So this is the first dreaming tendency where we find Sophie imagining that her brother is wearing a shiny leather jacket and they are out for a bike ride. She is wearing a yellow cape and the entire world is clapping and welcoming them. यहाँ पे हम क्या देखते हैं, सोफ़ी की पहली ड्रीमिंग टेंडेंसी देखते हैं, जब वो देख रही है क्या कि वो अपने भाई के साथ बाइक में घूम रही है और पूरी दुनिया के लोग क्लैप करके उसका वेलकम कर रहे हैं। Sophie shares all the secrets with Geoff and now comes and reveals that she has met Danny Casey, the famous Irish football player in the arcade. What is arcade? A shopping place. So now she also reveals that she asks for an autograph from Danny Casey, which both of them did not have a pen or a paper, so Danny Casey could not give her the autograph. So and reveals that Danny Casey promised her to meet next week in order to give her the autograph. She tells the brother about her date with Cassie. Now what does she do? She does not explain this as a simple meeting, but she gives it a name of a date. Danny Casey se ab wo milne ke bare mein. Second part of the text. On Saturday, Sophie and her family go to watch a football match. And all of them are the great fan of football. Their favorite team wins and the goal is made by Casey. Casey plays really well and Sophie is full of pride now. There is a loud cheer in the entire ground and all of them are very happy. Later on, father goes on to celebrate in a pub. So this is the first incident which we see is the reality. यहाँ पे पहली बार हम देख रहे हैं कि reality में सोफ़ी डैनी किसी को यहाँ पे देख रही है, कहाँ पे, एक मैच हो रहा है जब सैटरडे को। After the match, when Sophie returns home, she meets Jancy and Jancy asks Sophie about her meeting with Danny Casey. Sophie gets angry that her brother had revealed all her secret. She tries to cover this up and she succeeds in it. जैसा कि हम देखते हैं, सोफ़ी और डेरेक अब मैच के बाद वापस जब घर आते हैं तो वो जैंसी से मिलती है। जैंसी उसे पूछती है कि डैनी केसी से तुम कैसे मिली, कहाँ मिली, क्या हुआ। अब इस बात पे उसको बड़ा गुस्सा आता है कि जियोफ ने उसका सारा सीक्रेट बता दिया। एक्चुअली क्या हुआ था, जियोफ ने फ्रैंक को बताया था और फ्रैंक जाके जैंसी को बता दिया था। तब इस बात पे सोफ़ी को लगता है कि उसका सारा सीक्रेट रिवील हो चुका है, लेकिन वो किसी तरह इसको कवर करती है और ये कवर करने में सक्सेसफुल हो भी जाती है। नाउ आई सजेस्ट यू टू रीड टिल हियर, टिल द सेकेंड पार्ट, कंप्लीट द सेकेंड पार्ट एंड देन कंटिन्यू वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो दैट आई हैव शेयर्ड, मार्किंग इट एज पार्ट टू ऑफ गोइंग प्लेसेस। थैंक यू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टेक्स्ट टिल हियर, but you have to read the text thoroughly in order to follow it entirely, and then we'll take up the discussion. Thank you.